ये सॉल्व क्यों? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है? यू कैन सी हियर, वी कैन हैव अ वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को, व्हाट वर द एग्जांपल? एक्सरे, यूवी रे, विजिबल रे, आईआर, रेडियो वेव, गामा रे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सारी वेव्स क्या हो रही है? इट इज इंक्लूडेड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग को यहाँ पे एक्सरे चाहिए, तो एक्सरे का जो रेंज है वो यहाँ से, इट इज फ्रॉम हियर अप टू हियर. सो दिस कलर्स कैन बी गिवन बाय एक्सरे. गामा रे ये कलर देता है, यूवी यूवी ये कलर देता है. ओके, मिस लेकिन ऊपर कुछ डिफरेंट ही लिखा है. क्या डिफरेंट लिखा है? ऊपर 0.001 nm है गामा रे. हाँ, वो सब ये दिया है ना, वेवलेंथ दी हुई है. ओके ओके, दिस आर दी वेवलेंथ. ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी रहेगा. नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है ये फोटो में, ओनली वेवलेंथ इज देयर. मिस डाउट है. हाँ मिस, ये जो विजिबल लाइट है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में होगा ना? विजिबल लाइट जो है वो किसके बीच में होगा? अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में ना, मतलब एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, वो सब कलर्स कैसे दिखाएंगे? विजिबल पूरा रहता है वो, उधर से लेके पूरा, ये सारी लाइट इज कवरिंग. ओके ओके, मतलब विजिबल बेसिकली वाइट रहता है ना. हाँ, विजिबल किधर? विजिबल वाइट होता है, विजिबल पूरा प्योर कलर शो करता है विजिबल लाइट. मिस अगर सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? गामा रे फास्टेस्ट एंड ज्यादा एनर्जी वाला गामा रे है. ओके, सबका फास्टेस्ट, तो सबका वेलोसिटी सेम ही आता है ना, वेलोसिटी इज सेम. मोर एनर्जीज ऑफ गामा रे. ओके, ओके ऑल ऑफ यू. सो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रा यानी डिफरेंट कलर्स. The arrangement of electromagnetic waves in order of in increasing order of wavelength is electromagnetic spectrum. Okay, yes all of you, is this clear? Yes miss. So now all of you, let us do some illustration on the topics which we have done now. So all of you see illustration 18 from your module. मारा कौन मम्मी? अंडा.
Yes, all of you. A particular radio station broadcast at a frequency of 1120 kilohertz. The another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation from each station? तो अपने को फ्रीक्वेंसी दिया है एंड दे आर आस्किंग यू इज द वेवलेंथ. तो ऑल ऑफ यू अपने पास में फॉर्मूला है ना, वेवलेंथ इज सी अपॉन न्यू है ना. Yes, और सी तो सेम है ना, 3×10⁻¹⁰ मीटर पर सेकेंड. तो अभी यहाँ पे अपने को वर्क क्या है कि अपने को फ्रीक्वेंसी को प्रॉपरली कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट में कितना दिया है, 1120 kilohertz. So 1120 will be how much? 1.12×10⁻³. एक मिनट, मैंने उल्टा लिखा. Hertz, na? Yes. So that is 1120×10³ CPS. Yes. Yes, all of you. Now we can calculate lambda. 3×10⁸ meter per second. Miss, it is 3, right? Yes. So we can calculate, all of you. Yes. Three divided by 1120. कितना आता है? Two sixty seven meter. Okay. So similarly you can calculate second one, all of you. अभी ये megahertz दिया हुआ है, megahertz. Megahertz को convert करो. 1 megahertz. It's 10⁶ hertz. Okay. So can you calculate, all of you? Yes, please. Time, all of you do it fast. So Nikhil ko answer aa gaya. Okay, Nikhil. Yes, all of you do it fast. I'll wait for one more minute.
Laron is also getting correct answer. Meters. Okay, all of you. कर रहे हैं ना सब लोग सॉल्व? ऐसा कोई है नहीं ना जो नहीं कर रहा है सॉल्व? बिकॉज तुम लोग के कैमरा ऑफ है. आई डोंट नो व्हाट यू डू पीपल आर. आ गया आंसर मुझे भी. यस मिस मुझे भी आ गया. ओके नाउ 19th क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला है. दैट इज न्यू लेंथ. वेव नंबर दैट इज न्यू बार. और वेवलेंथ दिया है कितना 600 नैनोमीटर. तो न्यू बार इज 1/λ. ऑल ऑफ यू यस बोलो. यस बट ये नैनोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कितना आएगा? Into 10^-9. Similarly, next, what they are telling you to calculate new. C is equal to new lambda, na? So new is C upon lambda. C कितना होता है? Yes, all of you. Miss 5 × 10^14 आ रहा है मेरे को. Okay. So all of you just find out the answers. कितना आ रहा है? I'll wait for 2 minutes for your answer. जिगर है अभी इधर लेक्चर में? जिगर इज देयर मोना? मिस मुझे 5 × 10^14 आ रहा है. ओके So all of you, new bar is 1.67 × 10^6, and this is 5 × 10^14. Okay. Yes. Next question, देखो 20 वाला पढ़ो. Question क्या दिया है? A radio station is broadcasting program at 100 megahertz frequency if distance between radio station and receiver set is 300 kilometer. How long signal would take to reach set from the radio station? Station also calculate wave number and wave length.
So all of you, what is given here? Frequency is given now. So frequency से हम लोग कर सकते हैं ना कैलकुलेट. Yes. C is mu into lambda. But we have to convert. ये जो mu दिया है ये 100 megahertz में दिया है. Into 10^-6 plus 6 करना पड़ेगा. 6 hertz ना. Into 10^-6 hertz. Yes. Yes. That is, or you can say CPS. So, ये कितना आएगा? 3 × 10^8 आएगा, और ये आएगा 100 × 10^2. So, ये कितना होगा? 3 आएगा ना? 3 meter. Wavelength yes. is 3 meter. So now we can calculate wave number 1 upon lambda. That is 1 upon 3. So 1 upon 3 yani kitna? 3 meter inverse. Aur kya bola hai calculate karne ke liye? Time taken. Time. How long the distance would take to reach? टाइम बोला है कैलकुलेट करने के लिए. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा. सॉरी, डी अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस ऑल ऑफ यू? 300 किलोमीटर है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. 1000 से मल्टीप्लाई. और स्पीड कितना है? सेम है ना एज दैट ऑफ लाइट. 1 × 10^-3 रहेगा ना. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, miss. So 21 you do it in homework. Miss 21 na? Huh? 22 अभी तुम लोग को नहीं आएगा करने के लिए. फॉर दिस वी नीड टू स्टडी प्लैंक क्वांटम नंबर. तो 22 अभी नहीं आएगा. 23, 24, 25 दिस आर द थियोरी क्वेश्चन. सो यू रीड थियोरी ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव डन टूडे एंड देन यू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चन. 22 को मार्क करो. पहले हम लोग प्लैंक क्वांटम थियोरी करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व 22. ओके. Okay, miss. Yes, all of you, is this clear? So what is homework 23, 24 and 25? Concept application exercise 2 is your homework. Okay. Kiya note down sab log ne? Yes. Chalo, abhi next karte hai. Quantum theory of radiation. So अभी इसने थियरी ने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट दैट रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड
और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली इन स्मॉल और स्मॉल बंडल कॉल्ड क्वांटा. सो ऑल ऑफ यू सी एवरी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. अभी सपोज यू हैव हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन किधर है, फर्स्ट शेल में है. यस ऑल ऑफ यू. तो फर्स्ट शेल यानी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है. इसका एनर्जी सबसे लो है फर्स्ट शेल का, दिस इज लो एनर्जी. अभी हाइड्रोजन में बाकी ऑर्बिट भी प्रेजेंट है 2, 3, 4 बट वो एम्प्टी है. ओके, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट शेल में होता है. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी वाला हो जाएगा. यस ऑल ऑफ यू. तो वो क्या करता है, जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जंप करता है. सो हायर लेवल पे मींस इट कैन गो इन 2, 3 डिपेंड वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, अभी सपोज ये फोर्थ लेवल पे चला गया. अब फोर्थ लेवल पे वो जाके क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा. क्या करेगा, एमिट एनर्जी एमिट करेगा. एमिट करेगा तो एनर्जी लॉस हो गया ना उसका, तो फिर फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट पे ड्रॉप हो जाएगा. इट विल अगेन गेट ड्रॉप टू फर्स्ट. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट. अभी फोर्थ में गया ना वो, मींस इट हैज वेंट इन एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट हैव हायर एनर्जी लेवल. क्लियर? यस. सो नाउ एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में जाता है, वहां पे जाके एनर्जी एमिट करता है, फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एमिट करता है. तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का और एमिशन का, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है. पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एमिशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एमिशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एमिशन होता है. यस ऑल ऑफ यू. सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड एमिशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज एक्सप्लेन बाय अ प्लैंक, मैक्स प्लैंक. क्लियर ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर. दिस इज क्लियर, बट आई हैव अनदर डाउट. इस एटम का एक पर्टिकुलर एनर्जी रहता है ना, तो वंस ऑल द एनर्जी इज यूज्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एटम का क्या होता है? हां, एनर्जी होता है तो ये ग्राउंड लेवल पे जो होता है ना वो उसका ओरिजिनल एनर्जी होता है, तो उतना तो वो कांस्टेंट रहेगा ही एटम में. हां, ये उसका ग्राउंड स्टेट वाला एनर्जी जो है वही उसका ओरिजिनल एनर्जी होता है, बट वो एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी, एंड अगेन दैट एनर्जी इज एमिटेड. जितना भी एक्स्ट्रा, अभी जैसे उसका 5 kJ उसका ओरिजिनल एनर्जी है, वो 2 kJ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो 2 kJ एनर्जी एमिट करता है, वापस से वो क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. क्लियर? ओके. So I'll just write down this point. कैसा है एनर्जी उसका, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एमिट होता है, दैट इज इन स्मॉल पैकेट्स, पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दैट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा. I thought
ये बोथ क्या है, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है नेचर में. ओके अभी वो जितना भी एनर्जी, जितना भी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर रेडिएट करता है, जिसको क्वांटा बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू. उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच न्यू. ईच क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ with fixed amount of energy. And that is E is equal to H nu. E is equal to H nu. What is nu all of you? Frequency, na? H yane kya hai? Planck constant. And that is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joules. And E is the energy emitted or absorbed. Clear all of you? Yes, all of you, is this clear? Yes, miss. जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर एमिट होता है वो कैसा होता है, फिक्स क्वांटिटी में होता है, फिक्स अमाउंट में होता है. अभी इसको हम लोग फर्दर डेरिवेट करेंगे फॉर्मूला को. E इज इक्वल टू एच न्यू ना, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना, न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा. Yes, all of you. और इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, सी एच इंटू सी इंटू वन अपॉन लैम्बडा. तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एच इंटू सी इंटू न्यू बार. यस ऑल ऑफ यू बोलो. न्यू बार इज वॉट, वेव नंबर. इट इज वेव नंबर. मिस एक मिनट पीछे करो ना, मैं लिख रहा था. इसका थर्ड पॉइंट करना है मुझे एक्सप्लेन. हो गया समझ तो. मिस एक मिनट, लास्ट वो ये लिख रहा हूँ मैं. हाँ मिस हो गया.
थर्ड पॉइंट उसने क्या बताया कि एनर्जी जितना भी एमिट होता है एंड एब्जॉर्ब होता है दैट इज द होल इंटीग्रल मींस अभी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है एमिट होता है दैट इज व्हाट इज इक्वल टू एच न्यू ना तो ये एच न्यू यानी क्या है 1 into h न्यू ये इतना एनर्जी सेम ही रहेगा बट फिर वो डिपेंड करेगा कि कितने बार एनर्जी एमिट हो रहा है 1 बार हुआ तो 1 into h न्यू 2 बार हुआ तो 2 into h न्यू 3 बार हुआ तो 3 into h न्यू क्लियर ऑल ऑफ यू द बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी only in an integral multiple of a quantum. In a integral multiple of quantum. For example, h nu 2h nu, 3h nu, etc. Okay, all of you. Yes, Nikhil, have you understood this? Miss, I didn't understand this. Integral multiple का मतलब है whole number. It will be a whole number. Means 1 into h. अभी see, e is equal to h nu. सेकेंड पॉइंट ने क्या बताया तुम्हारा फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होता है एब्जॉर्ब होता है एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू ना यस लेरॉन सो इफ एनर्जी एक बार एनर्जी एमिट हुआ 1 into h न्यू 2 बार हुआ 2 into h न्यू 3 बार हुआ 3 into h न्यू सो इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ओके ओके मिस आई गॉट इट Note it down fast. Yes, all of you हो क्या? H का value क्या होता है? H का value अभी हम लोग ने किया ना पीछे 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second किया ना लिखा ना मैंने H का value वो constant value है मिस एक बार लिखो ना वापस Yes मीन्स तुम्हारा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो ई इज इक्वल टू एच सो दिस एच इज कॉन्स्टेंट ओके यस मिस Yes, Ms. Okay. So now based on this theory, now just see question number 22. 22 illustration 22 mean kiya sab log ne open yes all of you this illustration 22 ha page number 18 okay
कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स एंड दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल पर फोटोन, किलो जूल पर मोल ऑफ फोटोन, किलो कैलोरी पर मोल ऑफ फोटोन. ओके, तो वेव नंबर दिया है तुम लोग को, तो कैन यू कैलकुलेट ऑल ऑफ यू. अभी हम लोग ने किया था ना फॉर्मूला. यस, वेवलेंथ आ जाएगा. क्या किया था फॉर्मूला अभी हम लोग ने? इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज सी इंटू 1/λ, है ना? Yes, miss. New number, new bar, that is wave number. So wave number दिया है, x का value constant है, c का value constant है. Yes, all of you, you know it ना? Substitute करो. अभी सिर्फ new number इन लोग ने centimeter में दिया है, इसको meter में convert करना पड़ेगा. तो कितना दिया है ये इन लोग ने? 1 सेंटीमीटर दिया है ना? तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है? हंड्रेड मतलब 10^-2 ना. हंड्रेड मीटर कैसे आया इन लोग को? मिस वो लोग ने लैम्डा का वैल्यू नीचे लिया और फिर वो 10^-2 आया, उसको ऊपर लिया तो फिर 100 हो गया. But 1 centimeter is 10^-2 होता है. 1 meter वो नीचे है ना, वो अपॉन में है, 10^-2 अपॉन में, तो ऊपर आएगा 100 हो जाएगा ना. बट वन वो तो हाँ, तो ये 1/bar ना, 1/bar यानी न्यू बार होता है, एंड न्यू बार इज 1 सेंटीमीटर इनवर्स. बराबर ठीक है. तो अभी इसको करो, 3 × 6.64 × 10^-8 − 34 ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा. तो ये कितना आएगा तुम्हारा? करो जरा कैलकुलेट. 8 × 2 = 10. (1.992 × 10^-3) जूल पर फोटोन. यस ऑल ऑफ यू, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस.
नाउ नेक्स्ट बोला है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, अभी ये पर फोटोन है, मीन्स एक मोल में 6.022 × 10⁻²³ फोटोन आएंगे ना, तो एक फोटोन में कितना, मिस हाँ एक एक मिनट एक पर फोटोन है, पर फोटोन तो वन मोल में एक मिनट हम बता रही हूँ, वन मोल में 6.022 × 10⁻²³ फोटोन आएंगे, ओके ऑल ऑफ यू. नाउ 1.992 × 10⁻²³ जूल इज फॉर वन फोटोन, अभी पर मोल बोला है ना करने के लिए, तो इट विल बी 6.022 × 10⁻²³ फोटोन के लिए कितना आएगा, ओके तो 6.022 × 1.992 × 10⁻² हो जाएगा. समझा सबको ये? यस. किलो जूल है, पहले लेट मी फाइंड इट इन जूल, इट इज कमिंग हाउ मच 11.995 जूल पर मोल, किलो जूल में कितना होगा 11.995 × 10⁻³ किलो जूल पर मोल, ओके ऑल ऑफ यू दिस इज क्लियर? अभी नेक्स्ट कन्वर्जन, अभी इन लोग ने थर्ड बोला है किलो कैलोरी पर मोल, तो 1 kJ इज 4.184 kJ, तो अभी कितना किलो जूल आया है अपने को 11.96, कितना था वो वैल्यू 11.995 × 10⁻³ will be how much? (2.866 × 10⁻³) किलो कैलोरी, ओके ये 1 kcal, ठीक है. तो ये सारे कन्वर्जन तुम लोग को पता होने चाहिए. मिस एक बार वो फर्स्ट पार्ट पे जाओ ना ये वाले सॉन्ग. मिस मतलब हमें सारे फॉर्मूलास लर्न करने पड़ेंगे ना? फॉर्मूलास कौन से तुम्हें लर्न करने हैं अभी यहाँ पे? हाँ, 1 kcal इज 4.184 kJ, ये याद रखना है. ऐसा कुछ लिस्ट है क्या वैल्यूज का ऐसे? अभी तुम लोग को लिस्ट बनाओ, ये आज का पहला है कन्वर्जन. फिर हम लोग ने हर्ट्स, किलो हर्ट्स का किया, मेगा हर्ट्स का किया, टू मेक इट लिस्ट. ऐसा कुछ बुक में दिया गया? बुक में तो नहीं मिलेगा तुम्हें, इसमें मॉड्यूल में एक बार चेक करते हैं. नहीं है, तुम लोग को ही बनाना है. मिस वो फर्स्ट वाले पार्ट में 10⁻², कहाँ से आया? कौन सा ये? मिस वो आपने 1/λ को 1/10⁻², क्यों लिखा ये वाला ना? 1 cm इज हाउ मच? हाँ मिस, 10⁻² मीटर.
हाँ, तो लैम्डा कितना हो गया, 10^-2 मीटर हो गया ना। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको वेव नंबर दिया है ना। हाँ, तो तुम्हारा लैम्डा भी 1 सेंटीमीटर ही होगा ना, न्यू नंबर भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा हाँ मिस, ठीक है ठीक है। वो क्या ऑल ऑफ यू, यस मिस, नेक्स्ट पेज करो। Sharvari, this is 11th standard link. What you are doing here? Ma'am, I joined by mistake. मोक्ष वापस से 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर बैठना है। यस मोक्ष, नो मिस, दिस इज नॉट योर लिंक। हो गया ना निखिल? हाँ मिस, हो गया। शिप्रा मैम, ये आपने रॉन्ग लिंक पोस्ट किया है आईआईटी जेई ग्रुप में, ये 11th स्टैंडर्ड का लिंक है। ओके ओके, तब इधर ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली लास्ट टाइम सर ने मुझे यही लिंक दिया था ना, इसके लिए मैंने ये लिंक सबको दिया। ठीक है मैम, हाँ, मैं बोल देती हूँ सबको ग्रुप में। हाँ yes, all of you, let's do next question. That is illustration 26. 26. Miss, concept application को homework नहीं है ना? हाँ, 1 and 2 both is in homework. Miss, फिर illustrations भी दिया है आपने? हाँ, तो क्या हुआ उसमें? समर्थ, you have homework problem. तुम्हें ज्यादा हो रहा है homework, तुम मेरा complaint करो सौरभ, बोलो कि विनीता मैम बहुत homework. नहीं
सारा होमवर्क एक बार स्क्रीन पे लिख दो ना। मैंने इलस्ट्रेशंस अभी कौन से दिए वो मुझे नहीं याद है, बट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1 एंड 2 इज होमवर्क, तो मैंने नहीं करवाए हैं वो, सब होमवर्क में है। ओके सौम्य, तुमने लिखे है ना कौन नंबर लिखे है ना इलस्ट्रेशन के सॉल्व करने के टाइम पे? हाँ वो तो लिखे। हाँ तो जो नहीं करवाए वो सारे होमवर्क में। ओके सो नाउ नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू 26th क्वेश्चन, और ये भी होमवर्क में ही आने वाला है तुम लोगों को, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3। अब भी अपना लेक्चर के लिए दे दो ना। हाँ नेक्स्ट लेक्चर के लिए दे दो, क्योंकि आपका लेक्चर ये वीक में ही है। हाँ तो क्या हुआ उसमें, मैंने बोल तुम लोग को होमवर्क ज्यादा लग रहा है तो यू कैन कंप्लेन। नो मिस इट्स जस्ट दैट मतलब बहुत कुछ एक ही टाइम पे करा। हाँ तो क्या हुआ इतना एक बैच में, ये अभी तो ये तो शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं है होमवर्क। सर ने तो मुझे, सौरभ सर ने बोला है कि जेई बैच में डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन देना है प्रैक्टिस के लिए, रोज उन लोग ने 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो उतने तो मैं नहीं दे रही हूँ। चलो तो 12th वाले करते हैं उतने, 200-200 करते हैं एक दिन में सॉल्व, अभी तो उन लोग उतना होता है उनको होमवर्क। अभी तो तुम लोग का स्टार्टिंग है इसीलिए ठीक है, अभी आगे चल के तुम लोग को भी उतने ही करने हैं सॉल्व एमसीक्यूज। वो लोग का ऐसा दो बैच नहीं है ना, मतलब हम लोग तो स्टेट बोर्ड भी बैठे। नहीं सौम्य, उसमें भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स है, 4-5 स्टूडेंट्स है। आई कैन गिव यू नेम ऑल्सो आफ्टर लेक्चर इफ यू वॉन्ट। उन लोग भी दो बैचेस में लेक्चर ज्वाइन करते हैं, सीईटी बैच में भी करते हैं और जेई में भी करते हैं, और उन लोग भी उतना होमवर्क करते ही है। स्टार्टिंग में उन लोग को भी डिफिकल्ट होता था होमवर्क करने के लिए दोनों बैच का, बट देन यूज टू हो गए। मीन्स उन लोग उतने हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटिव है, तुम्हें भी होना है सौम्य। अभी ये स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा सौम्य, अभी कैसा है, एक साल से मेहनत करने की आदत चली गई है बराबर ना, ऑनलाइन पढ़ाई के वजह से बराबर ना। yes. जितना ऑफलाइन में हम लोग मेहनत करते थे उतना ऑनलाइन में नई आदत हुई है, चली गई है वो आदत, ज्यादा होमवर्क करने का, ज्यादा लिखने का। बट अभी अपने को उसको ये करना है, अपने आप को ऐसे मोल्ड करना है वापस से, कि पहले स्कूल में जितना हार्डवर्क करते थे ऑफलाइन के टाइम में उसे 10% ज्यादा अभी हार्डवर्क करना है, तो ही अपना कुछ यही स्कोर आएगा, अदरवाइज से कुछ फायदा नहीं है। फिर सौम्य यू हैव टू गिव सीईटी ओनली देन, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर सौम्य, इट इज फॉर ऑल। यू हैव टू, तुम लोग के पास में मीन्स तुम लोग ये सोचो मत कि हम लोग को ऑनलाइन नहीं जम रहा है, ऑफलाइन चाहिए ठीक है, मीन्स होगा डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स एंड ऑल ऑफलाइन, बट मैक्सिमम अपना ऑनलाइन में ही सिलेबस कवर होगा। तो यू तुम लोग अपने आप को मोल्ड करो इस हिसाब से कि करना है, और दिस इज जेई बैच, इसमें कुछ एक्सक्यूजेस नहीं मिलेंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग का टाइम मीन्स बीतते जाएगा वैसे वैसे तुम लोग का होमवर्क एंड ऑल बढ़ते जाएगा। अभी एक चैप्टर आया है ना तुम लोग को, एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, बाद में TCM तीनों का साथ में होगा, एक 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 चैप्टर, फिर तभी तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, होमवर्क तो और भी बढ़ेगा। सो यू हैव टू डू दैट मैनेजमेंट, बी रेडी फॉर इतना, अगर हार्डवर्क कर सकते हो तो ये बैच में रहो, अदरवाइज यू कैन शिफ्ट योर बैच, यू कैन टॉक। अगर होमवर्क वगैरह ज्यादा लगता है देन वी कैन नॉट, आई कैन नॉट हेल्प यू। ये तो कम है होमवर्क आज का जो मैंने दिया है, इससे ज्यादा होमवर्क फ्यूचर में मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पे किसी को शिफ्ट होना है ना बैच में, सब करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क के अलावा, हार्डवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, तुम लोग को 2 साल हार्डवर्क करना ही है किसी भी हालत,
चलो अभी अपने पास में 5 मिनट बाकी है, सो वील डू वन क्वेश्चन. लेट्स डू एलुस्ट्रेशन 26. व्हाट इज द हायर एनर्जी विच हैज अ हायर एनर्जी? A photon of violet light with wavelength 400 angstrom or a photon of light, red light with wavelength 7000 angstrom. और ये दिया हुआ है, H दिया है. तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी कैलकुलेट करना है. किसका एनर्जी कैलकुलेट करना है? वॉयलेट लाइट का और रेड लाइट का. तो ऑल ऑफ यू कैन यू कैलकुलेट? Yes. Yes. So let's do it. क्या है formula? कितना easy question है. देखो energy calculate करना है and they have given us what they have given us. Yes. What they have given us? Wavelength दिया है. So formula क्या आएगा? H nu ना. Yes. All of you. Nu is what? इस illustration क्या बोला आपने? 26. H क्या है? 6.62 इंटू 10⁻¹¹. वेलोसिटी 3 × 10⁸. और लैम्बडा कितना है ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन में दिया है 400 एंगस्ट्रॉम. तो कितना होता है वो? हम लोग ने किया है कन्वर्जन. अभी दिया था मैंने कन्वर्जन तुम लोग को. Yes. कितना आएगा? अच्छा लेवल है. 10⁻¹¹. Write it. 4000 × 10⁻¹¹. Okay. Miss. So इसका आंसर आ जाएगा. This is for violet light. Now next is for red light. सेम फॉर्मूला इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. एच दिया हुआ है, ¹7000 × 10⁻¹¹ meter. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. निखिल विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मिस हमको पता है ना. हाँ तो हम लोग. हाँ मिस, तो फॉर्मूला से ऐसा आ जाएगा कि एच सी बाय लैम्बडा. तो हमें ये पता है कि एच और सी तो कॉन्स्टेंट ही होंगे, तो बचा सिर्फ लैम्बडा. और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका ज्यादा होगा लैम्बडा वेवलेंथ का वैल्यू. हाँ मिस. ओके. So you can solve it without calculation also. E is inversely proportional to lambda. So jiska lambda kam, uska energy zyada. So kiska hai kam wavelength? Red ka kam hai, violet ka zyada. Violet ka. Okay. So now all of you will solve from 27. ठीक है, मैं concept एप्लीकेशन एक्सरसाइज नहीं दे रही हूँ वर्क में, बट ये जो एलुस्ट्रेशन है दैट इज जस्ट ऑन दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला पे ही है.
So you will do it 27 to 33. Okay? Okay. मुझ तो वन और टू तो करने का ही है ना क्या हाँ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वन टू एंड दिस 27 से 33 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज थ्री मत करो होमवर्क ओके यस मिस जो भी नहीं आएगा करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आप नोट डाउन कर लिया सब लोग ने होमवर्क यस मिस ठीक है सो कभी 7:45 तक ही है ना लेक्चर यस मिस चलो लेट्स स्टॉप देन बाय 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 मिस थैंक यू बाय मिस थैंक यू मिस बाय बाय